अस्पतालों में स्वच्छता स्थापना के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना वर्ष 2021-22 के परिणाम घोषित किए गए हैं। इसमें बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कुल 26 स्वास्थ्य संस्थानों को राज्य स्तर में पुरस्कृत किया गया है, जिसके तहत इन संस्थानों को कुल 17,85,000 रुपए पुरस्कार के रूप में मिले हैं। इसमें एक जिला अस्पताल, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 13 उप स्वास्थ्य केंद्र और साथ ही में वेलनेस केंद्र सम्मिलित है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP महेश्वर ने बताया है कि जिला अस्पताल बलौदाबाजार को अपनी श्रेणी में 90.9 अंकों के साथ ही 5,00,000 का कंसिस्टेंसी पुरस्कार भी मिला है। ऐसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में पलारी को 76.6% और लवन को 72.2% के साथ 1,00,000 का कमेंडेशन पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार जिला स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी को 2,00,000 का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसमें जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी पूर्व में भी कई बार पुरस्कृत हो चुके हैं। कलेक्टर बंसल ने इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई देते हुए आगे और उच्च स्थान अर्जित करने और जनता को बेहतर सेवा प्रदान करने के प्रयास करने के लिए अस्पतालों में साफ सफाई और स्वच्छता को बढ़ाने, संक्रमण को रोकने के लिए कायाकल्प योजना चलाई जाती है।